इंडिया 360 पर। फिर बढ़ा कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार, राहुल गांधी के निर्देश पर फिर से जुटे आला नेता, वॉर रूम में किया मंथन, आज जारी हो सकती कांग्रेस की पहली लिस्ट। इधर टिकट के आस में सीएमआर में लगा रहा जमावड़ा, सीएम से मिले विधायकों समेत कई नेताओं के समर्थक, तो बागियों को मनाने में जुटे बीजेपी के दिग्गज, आज दिल्ली में होगा दूसरी लिस्ट पर मंथन। सीएम राजा से मिलने पहुंचे कई बड़े नेता, कालीचंद सराफ, भवानी सिंह राजावत, प्रेम सिंह बनाना, कन्हैया लाल मीणा ने सीएमआर में की मुलाकात। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 17 नवंबर को झालावाड़ के झाला पाटन से नामांकन दाखिल करेंगी, इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने राजे को भाजपा प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह सौंपा। टिकट मिला तो लड़ेंगे चुनाव वरना पार्टी के लिए करेंगे काम, मंत्री यूनुस खान ने अटकलों पर लगाया विराम, कांग्रेस पर लगाया मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। किताब को छोड़कर हाथी की सवारी पर नवीन पिलानिया, आमेर से बीएसपी की सीट पर लड़ेंगे चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में थामा बीएसपी का दामन। गुलाबचंद कटारिया की पत्नी की ख्वाहिश है कि उनके पति एक बार सूबे के मुख्यमंत्री बन जाएं, अनीता कटारिया ने कहा कि ये एक सपना है कि गुलाबचंद कटारिया एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नामांकन दाखिल करने का आज तीसरा दिन, बुधवार होने के चलते आज जोर पकड़ेगा नामांकन का दौर, उधर सीईओ आनंद कुमार ने बीकानेर और झुंझुनू में ली पुलिस प्रशासन की बैठक। जयपुर में जुटे 25 देशों के कस्टम अधिकारी, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की पहली बैठक आयोजित, एशिया में 30 साल के लिए बनाई जा रही है रणनीति। चित्तौड़गढ़ की कपासन के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से 8,26,770 रुपए बरामद, पुलिस ने कार सवार दो लोगों को किया गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर की वजीरपुर थाना पुलिस ने मुख्य बाजार में दो लोगों को नकली नोटों के साथ पकड़ा, पुलिस को इन आरोपियों से 200-200 रुपए के 14 नकली नोट बरामद हुए, पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हाड़ी रानी बटालियन ने सुरक्षा जांच के दौरान केरल निवासी सलाउद्दीन से 16,000 दिरहम बरामद किए, भारतीय मुद्रा में राशि करीब 3,20,000 रुपया है। सलूम्बर के धारोद गांव में हनुमान मंदिर के पास सड़क पर बिखरे मिले नोट, सराड़ा विकास अधिकारी ने नोट इकट्ठा करने में लगे लोगों से जब्त की राशि, 23,200 रुपए की राशि सरकारी कोष में कराई जमा। राफेल पर छनी रार के बीच दसों एविएशन के सीईओ कर राहुल गांधी को जवाब, कहा हमने अपनी मर्जी से रिलायंस को चुना, झूठ बोलने का आरोप निराधार। राहुल गांधी पर सवाल से बौखलाए कांग्रेसी, दसों एविएशन के सीईओ के इंटरव्यू को बताया फिक्स, बीजेपी बोली सच सामने आ गया। रजनीकांत ने पीएम मोदी को बताया ताकतवर, कहा अगर 10 पार्टियां एक साथ हो तो समझ ले कि कौन ज्यादा पावरफुल है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा करेगा विचार, 22 जनवरी को सुनवाई, एक साथ डाली गई थी 49 अर्जियां। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर, दोनों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सीबीआई ने अपने डिप्टी लीगल एडवाइजर बीना रायजादा के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, वार्षिक अप्रेजल रिपोर्ट में ब्रांच हेड के फर्जी दस्तखत करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश, दो आतंकियों को मार गिराया। अनंत यात्रा पर निकल गए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, बेंगलुरु में हुआ अंतिम संस्कार, अपनी विदाई देने पहुंचे अमित शाह और कई मंत्री। आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया का जलवा बरकरार, बैटिंग में टॉप पर कोहली तो दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर। देश भर में मनाया जा रहा है लोक और आस्था का महापर्व छठ, जयपुर से लेकर पटना तक श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी की रस्मों के तहत उनकी संगीत सेरेमनी हुई, वहीं आज और कल इटली के लेक कोमो में रॉयल वेडिंग होगी।